समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। भोजपुरी जागृति मंच भोपाल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें दो उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों को निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एपी सिंह द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। देवेन पाठक को उगता सूरज और सत्यराम यादव को गुलाब का फूल चुनाव चिन्ह दिया गया है। आने वाली 22 तारीख को सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा और शाम को मतगणना होगी। दोनों प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि भोजपुरी जागृति मंच के मतदाता विश्वास किसके ऊपर जताते हैं और अध्यक्ष किसको बनाते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह तो उगता सूरज है और उगता सूरज उगेगा समाज के आशीर्वाद से। और समाज के सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि विकास को देखें और वोट दें। विकास बहुत जरूरी है। हम लोग 1,000 किलोमीटर दूर से आए हैं और यहाँ हम लोगों ने एक छोटी सी जगह पे एक मंदिर बनाया है। इसमें बहुत से विकास अधूरे हैं, इस विकास को पूरा करना है। जैसे जल कार्य हुआ, आपके पीछे पिलर खड़े हैं उसके ऊपर छत नहीं है। दूसरी बात, हमारे बजरंगबली बगैर अपने इष्ट के बैठे हुए हैं, सामने राम जानकी का मंदिर बनवाना है और छत उठा के 10वीं और 12वीं के बच्चों को, भोजपुरी बच्चों को निशुल्क गणित और इंग्लिश की कोचिंग देना है। यही मेरा कथन है और समाज के सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि मुझे भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, दोस्त हूँ, सब मैं हूँ। हम करीब करीब 15 साल तक भोजपुरी जागृति मंच के सचिव थे। इसके बाद समाज ने हमको भोजपुरी जागृति मंच के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया। इसके बाद हम 6 साल करीब हो गया भोजपुरी जागृति के मंच के अध्यक्ष रहे। मेरा प्रयास रहा समाज को अधिक से अधिक जोड़ा और ये हमारे भोजपुरी जागृति मंच के अंतर्गत ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो संचालित होता है, इसके परिसर के विकास के लिए हमने सब समाज के भाइयों से बोल करके, कह करके, मिलजुल करके जहाँ तक बना इसके विकास का कार्य किया। ये चुनाव जो हो रहा है, दो प्रत्याशी हमारे दोनों भाई हैं, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, चुनाव प्रत्याशी हैं। अब इसमें जो जीतेगा वो आगामी अध्यक्ष होगा। मैं तभी मेरे भाई भोजपुरी जागृति मंच के निवेदन है कि मेरे साथ ने और मुझे आगे चल के आशीर्वाद दें और मुझे जिताएं। इसके बाद अगला जो है हमारे विचार जो होगा उसको प्रकट करेंगे जीतने के बाद कि मंदिर पर क्या होगा, किस तरीके से आप आगे लेके जाएं समाज के लिए। आगे ले जाने के लिए भाइयों को सबको मिला के आगे ले जाऊंगा, भाइयों के आशीर्वाद के साथ जाऊंगा, कोई अकेले थोड़ी में जाऊँगा। पहली बरासत क्या रही भोजपुरी जागृति मंच, भोजपुरी चुनाव होने जा रहे हैं, कार्यकाल 3 वर्ष रहता है, किस तरीके की प्रक्रिया रही, कितने फार्म आए हैं। भोजपुरी जागृति मंच के नामांकन की जांच होने के बाद दो प्रत्याशी शेष बचे हुए हैं, देवेन पाठक और सत्यराम यादव जी, और इनको दोनों का चुनाव निशान भी आवंटित कर दिया गया है। देवेन पाठक का चुनाव निशान है उगता सूरज और सत्यराम यादव का निशान है गुलाब का फूल। निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरह की रहेगी। निर्वाचन की प्रक्रिया गुप्त मतदान होगा, चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं और जैसे सामान्य प्रक्रिया होती है कानून के मुताबिक संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। आज के बाद 21 तारीख तक इनका प्रचार के लिए समय है। 22 तारीख को मतदान 9 बजे से प्रारंभ होगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा। कितने मतदाता हैं। भोजपुरी जागृति मंच का चुनाव 22 तारीख को संपन्न होने वाला है। दो प्रत्याशी जागृति मंच के समाज की तरफ से आए हुए हैं, देवेन पाठक जी, संतराम यादव जी, और ये लोग काफ़ी समय से समिति से जुड़े हुए हैं और यही कहना है हमारा कि अगर मान लीजिए दोनों में से जो भी भाई जीतेंगे समाज के साथ लेकर के चलेंगे और समाज में सहयोग करेंगे, मंदिर में सहयोग करेंगे और सभी लोगों को साथ रखेंगे, एक सूत्र में बांध के रखेंगे, यही हमारा एकता का मंत्र है और ये जागृति मंच का उद्देश्य है। मैं एडवोकेट जय कुमार माली
बक्सर जिला से बिलोंग करता हूँ, बिहार से हूँ, और ये भोजपुरी जागरण मंच का जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो मेंबर हैं करीब 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और छठ पूजा के लिए विशेष स्थान है ये। और भोपाल के अंदर कोई पूछता है कि छठ पूजा कहाँ होती है, सबसे अच्छी है, तो वो मानते हैं हम लोग करौत क्षेत्र में होती है। उसी के संदर्भ में ये और बेटर से बेटर करने के लिए चुनाव संपन्न हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी जीत के आता है तो वह भोजपुरी जागृति मंच के जितने भी सदस्यगण हैं या बिहार या यूपी को बिलोंग करने वाले लोग हैं, उसमें एकता की भावना का संचार करते हुए इस मंच को, इसकी गरिमा को और उच्च स्तर पर लेके जाए, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा और यही काम हम अध्यक्ष महोदय जो भी रहेंगे उनसे करवाने का प्रयास करेंगे। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।